हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े होंगे और हमारे नए नए वीडियो का लगातार आनंद ले रहे होंगे। इसी क्रम में आज आप लोगों के सामने हम चल रहे हैं कहाँ, आपका एक चैप्टर है खाद्य संसाधन और पशु, है ना, सॉरी खाद्य संसाधन और पौधे, उसी चैप्टर को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो खाद्य संसाधन सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। खाद्य संसाधन क्या है? तो हमारे लिए जो भी चीजें खाद्य के रूप में प्रयोग होती है वो क्या कहलाते हैं? खाद्य संसाधन कहलाते हैं। और हम जानते हैं ये खाद्य वाली चीजें हमारे कहाँ कहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं, तो कुछ तो हमें पौधे से प्राप्त होते हैं और कुछ जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो जो भी खाद्य संसाधन वाले चीजें हैं उनसे हमें मिलता क्या है, है ना। तो इनसे हमें बहुत सारे पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। ये पोषक तत्व क्या करते हैं? तो ये पोषक तत्व कई हो सकते हैं, आपने सबका नाम जाना है पहले से भी। तो इसमें एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाला है, प्रोटीन है, हमारे शरीर के टूट फूट और वृद्धि विकास की मरम्मत करने का काम करता है। वसा हो गया आपका, संचयित भोजन के रूप में प्रयुक्त होता है ना। इसके अलावा आपका क्या है, खनिज है ना। खनिज हमारे शरीर को संतुलित रखने का काम करता है। और अगला क्या है, विटामिन है, जो हमें बीमारियों से क्या करता है, बचाने का काम करता है। तो आप लोगों ने देखा इतने सारे हमारे क्या है, खाद्य संसाधन के अंदर पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास जो भी जीव है उनको भोजन के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए। जो भी जीव है, जंतु है, जंतु अगर है, है ना, तो मुख्य रूप से वो भोजन के लिए पौधे पर आश्रित होते हैं, या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। भोजन के लिए उनको आश्रित कहाँ होना होता है, पौधे पर होते हैं। लेकिन जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, तो स्वपोषी कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने भोजन का निर्माण क्या करते हैं, स्वयं कर लेते हैं। और कैसे करते हैं, तो हम जानते हैं इनके भोजन निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के उपरांत ये क्या बनाते हैं, तो ये स्टार्च का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन हमें मुक्त करते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन हमारे सांस लेने के लिए प्रयुक्त हो जाता है। और खास बात यह है कि हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग ये प्रकाश संश्लेषण के समय क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं। और इस तरह से हम लोग देखें कि पृथ्वी पर दो तरह के जीव हो गए, एक तो स्वपोषी और दूसरे क्या, परपोषी, है ना। स्वपोषी अपना भोजन खुद बनाएंगे और परपोषी जो है भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहेंगे। अगर हम लोग आजादी के समय की बात करें तो आजादी के समय क्या था कि हमारे पास काफी ज्यादा जमीन थी। इतनी ज्यादा जमीन होने के बावजूद भी हमारी सारी जनसंख्या को भरपेट भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता था, है ना। कारण तो आप कहेंगे सर उस समय जो है क्या है कि बढ़िया उन्नत नस्ल का बीज नहीं था, खाद वगैरह नहीं था, है ना, कीटनाशक का प्रयोग वो लोग नहीं करते थे, इस वजह से उनका उत्पादन क्षमता जो था कम था। जमीन बहुत थी, है ना, उसके बावजूद भी उनका उत्पादन क्षमता क्या था, काफी कम था। कारण क्या था? तो कारण एकमात्र यही कारण था कि इनके पास जो है संसाधनों की कमी थी, ठीक है। तो हम लोगों को धीरे धीरे हमारे विश्व में एक व्यक्ति पैदा हुए, एमएस क्या कहते हैं, नॉर्मन बोरलॉग, है ना। उन्होंने क्या किया कि हाइब्रिड वैरायटी को निर्मित किया, गेहूं के हाइब्रिड वैरायटी बनाया, जिससे उत्पादन क्षमता क्या हुई, पहले की तुलना में बढ़ी। उसी का अनुसरण करते हुए हमारे यहाँ, है ना, तो वहां उनको क्या कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग जो हो गए हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं विश्व स्तर पर, है ना। और एमएस स्वामीनाथन ने उन्हीं का अनुकरण करते हुए भारत में भी गेहूं की नई नई प्रजातियों का विकास किया। इस वजह से भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में हम लोग एमएस स्वामीनाथन को जानते हैं, ठीक है। अब सिर्फ हमारे खाद्य हरित क्रांति, अब एक नया शब्द आपका आ गया है। हरित क्रांति का मतलब हुआ हम लोग के अनाज के उत्पादन में जो असतीत वृद्धि हुई ना, उसी को हरित क्रांति कहा जाता है। तो सिर्फ अनाज के उत्पादन में ही हम लोगों ने आगे कदम नहीं बढ़ाया, हमारा कदम जो है हर क्षेत्र में बढ़ा। हम लोगों ने क्या किया, तो दूध के उत्पादन में भी वृद्धि पहले देखे, है ना, अपने दादा से पिताजी से पूछे तो बताएंगे आपको कि पहले जो हमारे यहाँ देसी गाय हुआ करती थी, 1.5 लीटर 2 लीटर दूध दिया करती थी, आज जो है देसी गाय तो लगभग नहीं के बराबर बचा है, है ना। उसका स्थान जो है हमारी जर्सी गाय, है ना, और भी कई तरह की वैरायटी को ने ले लिया है। और हमारी उत्पादन क्षमता जो है पहले से कई गुना बढ़ गई है। आज इनकी उत्पादन क्षमता 20 लीटर 25 लीटर 30 लीटर तक चली गई है, है ना। इसी तरह से भैंसों में भी विकास हुआ, भैंसों की भी नई नई नस्लें आए।
और हमारी उत्पादन क्षमता जो है पहले की तुलना में कई गुना क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, हमारे यहाँ कृषि योग्य भूमि का भी विकास किया गया। किस क्षेत्र में? कई सारी जमीनें जो थी बंजर पड़ी हुई थी, है ना, तो वहां पर बढ़िया किस्म के खाद का प्रयोग करके और उन्हें उपजाऊ बना करके, है ना, हम जानते हैं कि हमारे और भी खाद के प्रकार है, तो उसके को प्रयोग करके हम लोगों ने क्या किया, उसे उपजाऊ बनाया और हमारा उत्पादन क्षमता जो है बढ़ा। अब पहले फसल उत्पादन को ही हम लोग देखते हैं। फसल तो हमारे लिए जो भी हमारे खाद्य के लिए उपयोग किया जाता है वो हमारा फसल हो गया। फसल कई तरह का है, पहला तो आपका एक अनाज हो गया, है ना, जिसमें गेहूं, मकई, ज्वार, बाजरा ये सब आते हैं। फिर क्या है आपका, एक दाल है। दाल में क्या है, तो दाल में मूंग, मसूर, अरहर, बहुत सारे नाम आप हमको जुड़ा सकते हैं। इसी तरह से तेल वाले बीजों में सरसों हो गया, सूरजमुखी हो गया, है ना, मूंगफली हो गया, तिल हो गया, तीसी हो गया, अलसी है, अरंड है, तो ये सारे नाम आते हैं। इसके अलावा जानवरों को खिलाने के लिए चारा फसलों का भी विकास हुआ, जैसे बारसीम है, सूडान है, है ना, तो ये जई है, ये सब का भी विकास किया गया। ठीक है, आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है इस चैप्टर के ऊपर, जहां समस्या होगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने विकास किया। अब ये जो हमारे फसल होते हैं, हर फसल हर मौसम में तो होते नहीं है, तो फसलों को क्या कर दिया गया है, मौसम के आधार पर हम लोग इसको वर्गीकृत कर दिए। पहला एक है खरीफ फसल, है ना, जिसे हम वर्षा में उगाते हैं वो क्या कहलाते हैं, खरीफ फसल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे धान हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, मकई, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, ये सब जो है आपका खरीफ फसल में आता है। अगर पूछेगा बुआई का मौसम क्या है, तो जून और जुलाई में इनको हम बोते हैं, और कटाई का मौसम जो है अक्टूबर से दिसंबर तक चलता है। एक रबी है, तो शीत ऋतु में इसे उगाया जाता है, है ना, और गेहूं, चना हो गया, तीसी हो गया, मटर, सरसों, आलू, ये सब इसमें आते हैं, है ना, और इनकी बुआई करना कब है, अक्टूबर माह में करना है, और कटनी जो है मार्च माह में होती है। अब एक है ग्रीष्म फसल, है ना, जिसको जायद फसल के नाम से भी जानते हैं, दलहन हो गया, उड़द, मूंग है, ये सबका बुआई जो है मार्च से जून के बीच में किया जाता है। और इस तरह से और भी फसलें हैं, तो हमारा फसल का उत्पादन में वृद्धि हुआ। तो अब उसी पॉइंट पर हम लोगों को चलना है कि हमारे फसल के उत्पादन में जो वृद्धि हुई उनके कारण क्या थे, संक्षेप में चलते चलना है। तो जैसे से हम लोगों ने क्या किया, फसल की किस्मों में सुधार किया, फसल की किस्मों में सुधार किया। अब ये फसल की किस्म में सुधार कैसे होगा, तो हम लोग मेंडल के प्रयोग को पढ़ेंगे अगला क्लास में। तो इससे पहले जाने कि हम लोग क्या करते हैं कि दो एक ही जाति के दो विभिन्न नस्लों आपस में क्रॉस करा करके एक नया वैरायटी को हम लोग क्या करते हैं, तैयार कर लेते हैं। तो ये हुआ उन्नत नस्ल का विकास। अब दो वैरायटी को मिलाएंगे, मान लीजिए आम का है ना, तो एक गुद्देदार आम है, दूसरे में रस भरा हुआ है। ठीक है, एक गुद्देदार रस वाला आम छोटा था, गुद्देदार आम बड़ा था, तो अब जो हमारा नया फसल बनेगा वो क्या होगा, दोनों के गुणों को लेकर के विकसित होगा। तो इस तरह से समुन्नत किस्मों का क्या किया गया, विकास किया गया, उसे हम लोग संकर किस्म कहते हैं। किस तरह का किस्म कहलाता है, तो वो संकर किस्म या हाइब्रिड किस्म कहेंगे, है ना। और ये तकनीक जो दो विभिन्न नस्लों को मिला करके एक नए नस्ल के बनाने की होती है, इस प्रक्रिया को पादप संकरण के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। संकरण हम कई तरह से करा सकते हैं। जनरली तो जाति एक ही जाति के पौधे के बीच में होता है ना, उसे अंतरा किस्मीय कह सकते हैं, अंतरा स्पीसीज होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अंतरा जातीय में क्या, पहला क्या था आपका, अंतरा किस्मीय, एक ही किस्म के बीच में क्रॉस कराना है ना। तो एक ही किस्म के बीच में क्रॉस कराएंगे तो उसमें से जो उन्नत नस्ल का है उसको चुन लेंगे, जो बढ़िया बढ़िया वेराइटी का पौधा है, दोनों को चुन करके आपस में क्रॉस कराएंगे। ठीक है, अगला जो अंतरा स्पीसीज है, तो एक ही स्पीसीज के अंदर जो अलग अलग वैरायटी है उसके बीच में क्रॉस करा लेंगे। ठीक है, और तीसरा है अंतरावंशीय, इसमें दो जेनरा, एक ही दो अलग अलग तरह के पौधा है, दो अलग अलग जेनरा, और उनको आपस में क्रॉस करा करके हम लोग क्या करते हैं, एक नए पौधे का विकास कराते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया को पूरा हम लोग क्या कह देते हैं, पादप प्रजनन कहते हैं ना। और ऐसे जो बीज हमें प्राप्त होते हैं उसको संकर बीज के नाम से जान सकते हैं, है ना। अब आपसे एक टॉपिक और पूछा जा सकता है, फसल की समुन्नत किस्मों के गुण और उनके लाभ आप बताएं, है ना। तो अगर इस तरह से आप वैरायटी बना करके पौधा लगाइएगा तो फायदा क्या होगा, सबसे पहला तो आपका उपज बढ़ जाएगा, है ना, क्या होगा, उपज बढ़ जाएगा। दूसरा जो है, ऐसा भी हो सकता है वो फसल जो है पहले तीन महीना चार महीना में तैयार होता था, ये फसल जो है आपका तीन महीना में तैयार हो जाएगा, तो आपका पूर्व परिपक्वता भी दर्शा सकते हैं, है ना, यानी कि समय से पहले ये जो है हमें तैयार होकर के मिल जाता है। इसमें खाद का जो है बेहतर असर होता है, उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। हम जो गुण चाहते हैं उसी तरह के पौधे को मिला करके क्रॉस कराएंगे,
तो हमारे पास क्या होगा, हमारे इच्छित गुणों की प्राप्ति होगी, यानी वांछित गुणों की उपलब्धता हो जाएगी, है ना। अब इस तरह से क्रॉस कराने में बहुत सारा फसल का पौधा ऐसा है, जैसे गेहूं है, धान है, बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा हुआ तो क्या होता है, वो नीचे जमीन पे सो जाता है और हमारा उत्पादन क्षमता जो है काफी खत्म हो जाएगा, क्योंकि नीचे गिर जाएगा तो फसल का नुकसान होगा। तो बौनी प्रजातियों का विकास भी हम लोगों ने क्या किया है, इसके द्वारा किया है। विस्तृत अनुकूलनशीलता है एक टॉपिक, है ना। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे पौधे जो है खास क्षेत्र में उगते हैं, दूसरे क्षेत्र में जो नहीं उगते, तो पौधे में अनुकूलनशीलता को क्या कर दिया हम लोगों ने, बढ़ा दिया, जिससे वो डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों में भी बेहतर तरह से उग सके। अब दिक्कत क्या होगा, अपने मम्मी पापा से पूछिए जाकर के घर में, या आप किसान परिवार से अगर संपर्क रखते हैं तो आप उनसे पूछेंगे, पिताजी बताएंगे आपको, है ना, कि ये धान का जो बीज होता है, गेहूं का बीज जो होता है, बाजार से खरीद करके हर साल लगाते हैं, तो इसको लगाने में खर्चा मेरा जो है बढ़ जाता है, है ना। ये बात बताएंगे कि खर्च क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि आपको बीज क्या मिलेगा, महंगा मिलेगा, यानी कि आपको कृषि में निवेश क्या हो जाएगा, ज्यादा करना पड़ेगा, पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके अलावा क्या है, जब पौधा का किस्म को आपने बौना कर दिया तो आपको चारे की प्राप्ति भी क्या होगी, कम होगी। दूसरा चीज जो है खरपतवार, इसमें बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है, तो उसके नियंत्रण की आवश्यकता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप मान लेते हैं आपने बहुत अच्छा फसल उपजा लिया, ठीक है, मान लेते हैं फसल का उत्पादन आपको बहुत अच्छा हो गया, तो उसको संरक्षण करना भी जरूरी है, है ना। जैसे आपको फसल का उत्पादन हो गया तो सबसे पहले उसे क्या करना है, उसमें नमी की मात्रा को नियंत्रित करना है, है ना। जनरली 10-15% नमी की मात्रा अगर हमारे फसल में रहती है तो उसे हमें लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। भंडारण उचित तरीके से, फंगस वगैरह, जीवाणु वगैरह उनको परेशान न करे, वो नष्ट न हो, सड़े नहीं, इसका बचाव भी करना है हमें, है ना। तो ये सब है। अब हमारे जो फसल लगते हैं, ये जो पौधे हमारे होते हैं, जिस तरह से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, खनिज लवण की जरूरत होती है, वैसे ही पौधों को भी क्या होता है, पोषक तत्वों की जरूरत होती है, है ना। तो कुल पौधे को 16 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। कुछ पौधे को ज्यादा मात्रा में चाहिए, क्योंकि वो उनके वृद्धि विकास के लिए जरूरी होते हैं, तो वो बृहत पोषक तत्व कहलाते हैं। कुछ पोषक तत्व जो होते हैं फसल में फूल फल पत्ती के बने रहने आदि की क्रियाओं के लिए जरूरी होते हैं। इनकी मात्रा कम चाहिए पौधे को, लेकिन ये भी पौधे के लिए आवश्यक है, तो इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व का नाम दिया गया है, है ना। तो आप देखें बृहत पोषक तत्व कौन कौन से हैं, कार्बन ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर बृहत पोषक तत्व में आते हैं। सूक्ष्म में है लोहा, तांबा, आपका जस्ता, मैग्नीज, बोरन, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन, है ना। ये आपके क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व पौधे को कम जरूरत पड़ते हैं, ठीक है। अब इतना सारा पोषक तत्व जो है ये पौधे को मिलेगा कहां से, या तो हम बाजार से खाद खरीद करके लाए, या गाय का गोबर, है ना, या सड़ा हुआ जो भी चीज हमारा है सड़ा हुआ, वो खेत में डाले जो अपघटित हो सकता है, उसके द्वारा पौधे को ये चीज मिलेगा, है ना। तो इस आधार पर हम लोगों ने क्या किया, दो चीज देखा है, एक खाद, दूसरा क्या, उर्वरक। तो खाद किसे कहते हैं, तो खाद क्या होता है, अगर हम लोग कृषि अपशिष्ट को, गाय के गोबर को सड़ा गला करके खेतों में डालते हैं तो वो खाद का काम करता है, और अगर रासायनिक उर्वरक जो है प्रयोगशाला में, फैक्ट्री में, लंबे स्केल पर बनाया जाता है, रसायन के द्वारा बनाया जाता है, तो पोषक तत्वों के अलावा भी इनमें कुछ हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं रासायनिक उर्वरक में, है ना। तो हमारे खाद जो है वो पौधे के लिए अति बेहतर होते हैं, क्योंकि खाद जो बनते हैं हमारे अपशिष्ट पदार्थों से बनते हैं, इसमें हानिकारक पदार्थों की संख्या नहीं होती है, और यह लगभग सभी पोषक तत्वों को रखते हैं, ठीक है। जबकि रासायनिक उर्वरक जो होते हैं उसमें सभी पोषक तत्व नहीं होते हैं, ये पोषक तत्व विशिष्ट होते हैं, खास तरह के, यूरिया अलग है, फॉस्फेट अलग है, है ना, डीएपी अलग है, तो इस तरह से अलग अलग पोषक तत्वों के रासायनिक उर्वरक होते हैं। दूसरा चीज है कि रासायनिक उर्वरक थोड़ा हमारा फायदादार भी नजर आता है एक समय के लिए, क्योंकि ये तुरंत ही क्या होता है, खेत में डालने के बाद तुरंत ही मिट्टी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, क्योंकि पानी रहेगा, तुरंत ही घुल जाता है, अवशोषित कर लिया। लेकिन खाद का प्रयोग अगर हम खेतों में करते हैं तो ये लंबे समय के बाद ही अपघटित हो पाता है, तो इस अवशोषण में समय की ज्यादा लगता है ना। और दूसरा है एक जल्दी अवशोषित हो जाता है। खाद में समस्या क्या है, आपका भंडारण का समस्या है, रखने का समस्या है,
और रासायनिक उर्वरक ट्रांसपोर्टेशन और भंडारण दोनों जो है इसका आसान है, लोग इसीलिए प्रीफर करते हैं रासायनिक उर्वरक का। लेकिन आपको याद रखना है कि रासायनिक उर्वरक का प्रयोग अगर लगातार खेतों में हुआ तो धीरे धीरे करके खेत क्या हो जाते हैं, बंजर हो जाते हैं, है ना। तो इसको बचाने के लिए बीच बीच में हमें खाद का प्रयोग भी करना चाहिए, है ना। जनरली अब तो कहा जा रहा है कि रासायनिक खाद का प्रयोग बंद ही कीजिए, है ना, जैविक खेती कीजिए, कार्बनिक खेती कीजिए, क्योंकि खाद हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। खाद लगातार रासायनिक उर्वरक का प्रयोग अगर हम करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब ये जो हमारे खाद थे, है ना, पौधे के पोषक तत्व जो थे उनको हम कैटेगराइज कर दिए, है ना। पहला आपका कंपोस्ट है। कंपोस्ट में क्या कैसे बनेगा कंपोस्ट, ये आप देखें। तो कंपोस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक गड्ढा खोदना है, उसमें गाय का गोबर, उपला, सड़ा हुआ पुआल वगैरह को डाल करके गड्ढे को पूरी तरह से पीट देना है, बंद कर देना है, मिट्टी से ढक देना है, 2-3 महीना के बाद उसे खोद करके निकालना है और खेतों में डाल देना, तो ये आपका कंपोस्ट हो गया। अगली बार गड्ढा खोदना है तो उसको खुला ही छोड़ देना है, सारा चीज वही चीज डालिए, है ना, गाय का गोबर डालिए, उपला डालिए, और क्या है आपका पुआल वगैरह जो भी है सारा अपशिष्ट को डालिए, गड्ढा को बंद नहीं करना है, उसमें अर्थवर्म केचुआ को डाल देना है ना। तो ये जो है आपका वर्मी कंपोस्ट कहलाता है, एक हरी खाद होता है ना। आपका जितना सारा दलहनी फसल है जैसे खास करके मूंग हो गया, ढैंचा हो गया, ये सबको आप क्या कीजिए, पहले तो ग्रो करा लिए, फसल तोड़ सकते हैं तो तोड़ लीजिए, और उसके बाद पानी भी खेतों में रहने के साथ ही इसे क्या करना है पूरी तरह से जुतवा देना है, है ना। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, सड़ेगा और पूरी तरह से पोषक तत्व प्रदान करेगा, है ना। 1-2 माह के बाद ये पौधा इसको अवशोषित कर सकता है। रासायनिक उर्वरक तो हम लोगों ने समझा ही, है ना, रासायनिक उर्वरक के बारे में बताए भी। तो दूसरा कार्बनिक खेती है। तो कार्बनिक खेती को अगर संक्षेप में आप लिखेंगे तो ऐसी खेती जिसमें रासायनिक उर्वरक, पीड़क नाशी, कीटनाशी आदि का प्रयोग हम नहीं करते हैं, है ना, खाद का प्रयोग करके खेती करते हैं, तो वैसे खेती को कार्बनिक खेती कहा जाता है। कार्बनिक खेती में पीड़क नाशी, कीटनाशी के अलावा नीम की पत्तियों का घोल का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, है ना, तो ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। अब देखिए खेती कीजिएगा तो सिंचाई का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी में नमी की मात्रा जरूरी है जिससे कि पौधे जो है पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित कर सके, है ना। तो सिंचाई काफी आवश्यक है, सिंचाई समय समय पर होना चाहिए। हमारे यहाँ बरसों से सिंचाई के कई सारे साधन उपलब्ध है, जैसे पहले तो परंपरागत में देखिए कुआं, तालाब हो गया, झील, नदी, नहर, है ना, इस सब के द्वारा सिंचाई होता था। कुआं नलकूप के द्वारा सिंचाई था, नहर जाल था, है ना, नदी उठाव सिस्टम था। अब जो है हमारे यहाँ पाइप के द्वारा सिंचाई होता है ना, एक स्प्रिंकलिंग है फुहारा के द्वारा सिंचाई, एक ड्रिप इरिगेशन है प्लास्टिक का पाइप के द्वारा हम लोग खेतों तक पानी जो पहुंचा दिए, तो ये हमारा हो गया, है ना। अब लगातार आप खेती किए जा रहे हैं, कैसे खेती करना, तो खेती करने का भी पैटर्न होता है, फसल लगाने का पैटर्न। एक है मिश्रित फसल पैटर्न, है ना, तो इसमें क्या करना है, मिश्रित उत्पादन में क्या करते हैं कि एक के साथ दो फसल को लगा देते हैं, जैसे गेहूं लगाए तो सरसों भी साथ में लगा दीजिए, तो इस तरह से अगर खेती होता है तो ये मिश्रित तरह का खेती कहलाता है, है ना। अब जो है मूंगफली लगाए तो सूरजमुखी को साथ में लगा दीजिए, तो ये आपका मिश्रित प्रकार में आएगा, है ना। अब क्या कर सकते हैं आप, सोयाबीन के साथ क्या करिए, अरहर को लगा दीजिए, तो ये मिश्रित हो गया। जौ के साथ चीक मटर को लगा दीजिए, तो ये मिश्रित का उदाहरण हो गया, है ना। अब है अंतर फसल उत्पादन। अंतर फसल उत्पादन में क्या है कि इसमें आपको क्या करना है, पैटर्न वही है मिश्रित जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या करना है, एक साइड में ये लगा दिए, दूसरा साइड में दूसरा फसल है, तीसरा साइड में तीसरा फसल है, तो ये आपका जो हो गया अंतर फसल हो गया। और फसल चक्रण एक विधि है, जैसे ही एक फसल को आप काटे उसके बाद, जैसे मान लीजिए आप दलहनी फसल ये लगाए हैं कि अनाज को लगाए, गेहूं हो गया, चावल हो गया, तो ये जानते हैं कि ये क्या करते हैं, मिट्टी से नाइट्रोजन को सोख लेते हैं, तो आपकी मिट्टी में तो नाइट्रोजन की कमी हो गई है, तो इसकी पुनः पूर्ति के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दलहनी फसलों को लगा सकते हैं, है ना। दलहनी फसलों के जड़ों में राइजोबियम होता है जो क्या करता है, तो मिट्टी में वापस नाइट्रोजन जड़ों में नाइट्रोजन को जोड़ेगा, और जिससे प्रोटीन का निर्माण पौधे में होता है, लेकिन जड़ तो रह ही जाएगा, तो हमारे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा जो है बरकरार रहती है इसके द्वारा, ठीक है। तो ये हुआ आपका। अब सुरक्षा वगैरह तो आपको फसल का करना ही है ना, कीट से करना है, मकोड़े से करना है, पीड़क नाशी, कीटनाशी, इस सबका प्रयोग करना है। तो पीड़क नाशी तो आप जानते हैं, पीड़क नाशी क्या हो गया, तो हम लोग फसल को कीट फटिंगा वगैरह जिससे भी कोई भी फसल नुकसान करने वाले कारक से अगर फसल को रसायन का छिड़काव करके बचाते हैं, है ना, तो यह पीड़क नाशी है और इसका प्रयोग से हम फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। कीट का मारने के लिए कीटनाशी हो गया, है ना, इस तरह से आपका हो गया। ये सब कीट पटंगा जो भी है सबको पीड़क हम लोग कह सकते हैं,
एक तो खरपतवार है, खरपतवार क्या है, हमारे फसल के बीच में कोई भी घास फूस अनवांटेड पौधा उग जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार का नियंत्रण करना आवश्यक है, क्योंकि खरपतवार अगर हमारे फसल के बीच में रहेगा तो पोषक तत्वों को ज्यादा सोखेगा, हमारे फसल को जो है उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा, है ना, तो हमारे फसल जो है वो लगातार कमजोर होते जाएंगे। इसको हटाने के लिए खरपतवार नाशी रसायन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे 2,4-D है ना, मीराकुलान है, मेलाथियोन है, और भी कई तरह के कीटनाशक नाशी है जिससे हम लोग इसको खत्म कर सकते हैं। अब पूछेगा आप 2-4 खरपतवार का नाम बताइए, है ना, तो जैसे चौलाई आपका हो गया, अमरेंथस जिसको कहते हैं, बथुआ हो गया, चिनोपोडियम है, घास दूब है, सिनेडॉन है, गाजर घास है, पार्थेनियम जिसको कहते हैं, मोथा है, तो ये सब जो है खरपतवार है ना। इसके नियंत्रण के लिए हम लोगों ने देखा कुछ तो खुरपा के द्वारा, है ना, या फिर क्या है, पाचा है, फावड़ा है, इसके द्वारा आप इसे हटा सकते हैं, नहीं तो पीड़क नाशी खरपतवार नाशी का प्रयोग करके कर सकते हैं, जिसका नाम लिए थे 2,4-D हो गया था, है ना। 2,4-D का पूरा नाम पूछता है, डायक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक अम्ल पूछता है ना, तो ये याद रखना है। तो फसल में बहुत सारे रोग लगते रहते हैं, तो उस रोग को भी नष्ट करना है इसके द्वारा, जैसे है प्रध्वंस रोग है, ब्लास्ट रोग है, गंधी बग कीड़ा स्किट्स के द्वारा फैलाया जाता है ना, टिड्डा है, भृंग लग जाता है, तो फसल को नुकसान होता है, तो सबका छिड़काव करके हम फसल के नुकसान से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जैसे रासायनिक उर्वरक से आपका हानि था तो पीड़क नाशी से खरपतवार नाशी से हानि नहीं होगा, है ना, तो ये भी हमारे शरीर में पहुंचते हैं और जैव आवर्धन उत्पन्न करते हैं। इसके लिए आपके हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। तो जैव आवर्धन उत्पन्न करेंगे, है ना, अनाज का भंडारण आपको बता ही दिया गया, अनाज को भंडारण के लिए क्या करना है, नमी की मात्रा सबसे पहले उसको जैविक और अजैविक दोनों घटक से बचाना है, है ना, तो जैविक में तो जिंदा चूहा वगैरह आ गया, है ना, अजैविक में आपका नमी आ गया, तापमान आ गया, तो ये सबसे सुरक्षा देना है ना। अगर आप अनाज को भंडार गृह में संरक्षित करते हैं लंबे समय के लिए तो फ्यूमिगेशन है, धुआं केमिकल को धुआं बदल करके पूरे कमरे में छिड़काव करना है, अनाज को बोरे में जूट के बोरे में रखना है ना, और बीच बीच में गैप रखना है जिससे कि हम बीच बीच में घूम फिर सके और सारा चीज को देख सके। इसके बाद भी अगर आपके चैप्टर में कुछ छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं और भी कोशिश करूंगा कि आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। संसाधन पौधे चैप्टर का हम लोगों ने पढ़ा, धन्यवाद, हमारे चैनल से जुड़े रहे और नए नए वीडियो का आनंद लेते रहे।